अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकोस्टार का यूनिट है ये 1 KV IR 129-0S मॉडल है और इसे हम ऑन करते हैं और ये जो मॉडल है फॉल्ट कर रहा है कि 166-67 और 267 पे जाके ये ज़ीरो फॉल्ट कर जाता है। ये दोबारा इसे ऑन ऑफ करते हैं, दोबारा ऑन किया, ये देखिए दोबारा इसे ऑन किया और ऑन करने के बाद इसने जी 176-70-258 वोल्टेज आया कि इसके बोर्ड में क्या फॉल्ट है जो इतने वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। ये यूनिट है जी, इसका अंदर वाला हिस्सा ये है और ये इसकी मॉसफेट बाहर ठीक लग रही हैं और बाकी जो निज़ाम है इसका हम ओपन करते हैं मुकम्मल पीसीबी को, फिर हम इसे चेक करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट था जो इस तरह ये काम कर रहा है। इन्वर्टर को हमने ओपन कर लिया है और इसका जो है ना पार्ट्स हम चेक करते हैं कि इसका वो पार्ट्स मॉसफेट वगैरह चली हुई तो नहीं है कोई। ये मॉसफेट लगी हुई है IRF 740, ये मॉसफेट भी ठीक है, ये 5 की 5 मॉसफेट ठीक हैं और ये ब्रिज लगी हुई है रेक्टिफायर ब्रिज, ये भी ठीक है। ये जो वोल्टेज फिक्स होते हैं अप डाउन होते हैं वो होते हैं इस हिस्से से, ये वाला जो हिस्सा लगा हुआ है ना, ये वाला ये लगा हुआ है, हमें मॉसफेट लगी 49-93 SMD रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये आपको चेक करवाते हैं। ये लगी होती है 49-93 जहाँ से वोल्टेज जो है ना बिल्कुल अप डाउन जो होते हैं उसे फिक्स करने के लिए ये लगी होती है रेजिस्टेंस हैं दो, और ये सिस्टम IC को जाती है, एक साइड इसकी ग्राउंड करके और दूसरी तरफ से इसके 4-5 वोल्टेज जाते हैं, इस वजह से ये वोल्टेज भी अप डाउन होते हैं। और इस हिस्से को हम जो है ये वाली रेजिस्टेंस से हम नहीं लगाते हैं, नहीं लगाने के बाद जो है ना ये हम चेक करते हैं कि हमारा यूनिट जो है ओके होता है या नहीं होता, जो वोल्टेज कभी 170 और कभी 240-50 करते हैं। इन मुजामतों को हम ओपन कर लेते हैं, ये दोनों ओपन करके इसकी जगह 1 1 मैग लगा देंगे। एक 1 मैग लगा के और इस पे एक 10 KV लगी होती है, वो 10 KV चेंज करेंगे, फिर जो है हम इसे चेक करेंगे। ये ज़्यादातर ख़राब होती है वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से, बैटरी लो हो, बार बार इसे ऑन ऑफ कर रहे हों, उस वजह से हो जाता है। ये हम 1 ही 1 मैग लगाएंगे इस पे और दूसरा हिस्सा जो है इसका हम वो डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू 1 ही हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वैल्यू, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। और एक जैम्पर लगाते हैं, एक जैम्पर लगा देते हैं हम, और इसे अब हम चेक करेंगे कि यूनिट ओके हुआ या नहीं। बैटरी की तार हमने लगा दी है इस पर और यूनिट को अब हम करते हैं ऑन, और ऑन
करने के बाद इसे हम देखते हैं कि ये आ गया जी 230, ठीक हो गया हमारा यूनिट हो गया जी क्लियर। ये बैटरी इंडिकेटर आ गया और ये देखें जी 230 वोल्टेज आ गया। इसे हम दोबारा ऑन ऑफ करते हैं, ये ले जी ये दोबारा ऑन ऑफ किया और इसे हम ये बिल्कुल ओके हो गया जी, यूनिट हमारा ओके हो गया, यूनिट हमारा ओके हो गया। ये इकोस्टार का मॉडल है जो कि फॉल्ट ये कर रहा था कि इसमें वोल्टेज अप डाउन हो रहे थे, अप डाउन होने की वजह जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो ये रेजिस्टेंस लगी होती है ब्रिज के सेंटर दो पिनों से 1 1 1 के की रेजिस्टेंसें लगी होती हैं और एक साथ और एक एक डायोड पे जाके यहाँ पे आके 2 500 की रेजिस्टेंसें लगी होती हैं जो कि इस सिस्टम को डिडक्शन देती है कि वोल्टेज को फिक्स करना होता है, जो कि वो वैल्यू डी हो गई थी, डेड वैल्यू हो गई थी, उसे हमने वैल्यू को न्यू रिन्यू कर दिया, ओके हो गया हमारा यूनिट।